यूनियन टर्म में 4 जून तक संचालित होने वाले मेगा समर कैंप का आयोजन इस बार सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया और यूनियन क्लब द्वारा किया जा रहा है। इस कैंप का शुभारंभ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव और यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा, विधायक कुलदीप जुनेजा, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के साथ किया गया। इस मौके पर टेनिस खेलकर गुरुचरण सिंह होरा और कुलदीप जुनेजा ने यूनियन क्लब में 24 से 28 अप्रैल तक चलने वाले गोंडवाना कप का भी शुभारंभ किया। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर साल यूनियन क्लब में समर कैंप का आयोजन किया जाता है। इस बार भी 23 अप्रैल से 4 जून तक समर कैंप संचालित किया जा रहा है। समर कैंप में बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स जैसे गेम बच्चों को सीखने और खेलने का मौका मिलेगा। समर कैंप का शुभारंभ छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव और यूनियन क्लब अध्यक्ष गुरचरण सिंह होरा, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह समेत यूनियन क्लब सदस्यों के साथ पूजा अर्चना के साथ किया। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष होरा ने कहा कि सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया और यूनियन क्लब के सहयोग से किया जा रहा है। पिछले बार हुए समर कैंप के समापन के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हो चुके हैं। इस बार भी उनको आमंत्रित किया जाएगा। इस दौरान 24 से 28 अप्रैल तक होने वाले गोंडवाना कप के बारे में भी जानकारी दी। यूनियन क्लब में 1999 से लगातार समर कैंप में आयोजित कर रहे हैं, 24वां साल है। इस वर्ष हमने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के ललित जयसिंह और उनकी टीम को चुना है और उनके साथ हम ये कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो छोटे बच्चे हैं 6 साल की उम्र से लेकर 16 साल तक के, उसमें बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बिलियर्ड और बैडमिंटन, इसमें हम प्रशिक्षण शिविर प्रतिस्पर्धाएं 1 साल तक लगातार चलें, क्योंकि गर्मी की छुट्टी होती है, बच्चे फ्री रहते हैं, उस दृष्टि को रखते हुए समय का टाइम का इसको निर्धारित किया गया है और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। 2 साल पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका समापन किया था और इस बार भी हम प्रयास करेंगे माननीय राज्यपाल या मुख्यमंत्री जी से हम इसका समापन कराएं। और मैं ललित जयसिंह और सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और वो हमारे साथ सम्मिलित हुए। साथ ही गोंडवाना कप जो कि 1937 से चला आ रहा है, उसका भी उद्घाटन आज विधिवत कुलदीप जुनेजा जी, मैं और ललित जयसिंह, इन्होंने हमने मिलकर किया है और यहाँ 20 राज्यों के 50 खिलाड़ी आए हुए हैं। ये भी टूर्नामेंट लगातार 1 हफ्ता चलेगा और इसका समापन गोंडवाना कप, आप जानते हैं बहुत पुराना टूर्नामेंट है हमारा, वो भी आज सिंधी समाज के साथ हमने उसको शुभारंभ किया। इस मौके पर सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह ने बताया कि इस कैंप में बच्चों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के प्रति जागरूक करते हुए खेलों से जोड़ा जा रहा है। यूनियन क्लब अध्यक्ष गुरचरण सिंह होरा के मार्गदर्शन में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज इसका विधिवत शुभारंभ हुआ। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया एवं यूनियन क्लब द्वारा समर कैंप का शुभारंभ आज यूनियन क्लब में किया गया। श्री गुरुचरण होरा जी एवं हमारे समित सदस्य यहाँ आरती करके, झूलेलाल जी की आरती करके शुभारंभ किए और श्री उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा जी भी उपस्थित थे। हम उम्मीद करते हैं ये समर कैंप हमारा बहुत अभी तक के संपर्क कैंप जितने भी हुए उससे सबसे अच्छा और भव्य होगा और हमारे को जो उम्मीद है कि लगभग बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीख के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे।